शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बिशु, तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। जो भी हुआ वो किस लिए हुआ यही बताने को आई हूँ। क्या बताओगी क्या तुम? पोल खुल गई तो सच बोलने का ढोंग करोगी क्या? ये नाटक कब तक सहूंगा मैं? भगवान के लिए मैं जो कह रही हूँ सुनो बिशु। चुप जाओ। तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया क्या? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया मैंने, इसलिए मेरे मुंह पे काली पोत दी तुमने। नहीं विशु, भगवान के लिए जरा मुझे बोलने दो। ए, मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतना प्यार किया। मेरे भाई ने कौन सी भूल की थी? बोलो कौन सी भूल की? भोले इंसान को अमेरिका से बुला के, उसे शादी की आशा दिला के, उसे पागल जैसा बना दिया सबने। क्यों राजामणि, तेरा नाम है, तेरा बाप का नाम है? दत्तक। कैसा कर्जा बता, कितना कर्जा है? तेरे दद्दा ने करोड़ों कमा के रखा हुआ है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये पैसे से ठीक होने वाली बात नहीं दद्दा, वो पुरानी कोई बात नहीं बोली। तुम्हारा नाम लेता हूं तो भड़क जाती है, उसकी कोख से पिस्सू तक भी पैदा नहीं हुआ। इसी गुस्से में वो सनकी हो गई है, हर बात में काटने को आती है वो। मैंने सोचा हर दिन की पीड़ा सहने से तो मर जाना अच्छा है, तो चिट्ठी आ गई तुम्हारी, इसलिए मरने से पहले तुमसे और बच्चों से मिलने को जी चाहा तो आ गया। मैं आया तो बहुओं को देखने की खुशी भी साथ लेके यहाँ पे लेट गया आके। ये मनुष्य जीवन है ना, जीने के लायक तो है ही नहीं, मरने के लायक भी नहीं है, लायक नहीं है। पारस भाई, मैं धोबी का कुत्ता हूँ, धोबी का कुत्ता। मैं एकदम बेकार आदमी हूँ दत्ता, एकदम बेकार आदमी हूँ दत्ता। देख, जब तक मैं हूँ तुझे नहीं मरने दूंगा। तुझे और सुंदरी को छोड़ के मेरा और कौन है? बात सुन, तू और सुंदरी बहू दोनों मिलके ब्याह में आएंगे, तभी मेरे बेटों की शादी होगी। थोड़े दिन मैं पारसमणि बन के गांव जाता हूँ और बहू को कैसे भी समझा बुझा के शादी भर लाता हूँ। तब तक तू राजामणि बन के संभाल लाया। मेरे दत्ता ही नहीं, देवता हो, चाहे जो करो ठीक ही करोगे। साले, मेरे को जाने को बोलता है, कल जाओ उसने खट्टू को दिया ना, मेरे संभालने का नहीं क्या? खबरदार, उतारे सब सामान। अबे जा बे, फट फोड़ डालूंगी। ये सब मेरी माँ ने दहेज में दिया था, दुकान के अंदर जो भी सामान है बोले जाने का। कर्जे वालों से जान बचाने के लिए बाजार का बहाना करके भागने वाले को एक दिन का भी नहीं दूंगी। ए, ये काफी नहीं है, भीतर का सारा सामान लेके आओ। अरे दरवाजे को धीरे से खोले।
खैर सुंदरी, काय को पूरा सामान ले गए वो, अब यहाँ मैं अकेली सड़के क्या करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, पसीना बहा के पैसा कमा के मेरे साथ कुटुंब चलाने की जब ताकत हो तो मुझे खबर कर देना। हराम का खाना है तो इज्जत को ताला मार के मेरी मैया के पैरों में आके गिरो। मेरा बाप चार कुत्तों को सूखी रोटी में पालता, पांच में तुम सही, समझ गए। ए चल गाड़ी निकाल। पारसमणि दद्दा, पारसमणि दद्दा, तुम्हारी लॉटरी को पहला प्राइज लगा है। ए, 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 गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ए, रोक रे। पहला प्राइज 25 लाख है दद्दा। अरे हाँ भैया, हाँ। लखपति हो गया, पूरे 30 लाख। अरे हटाओ 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 छोड़ो, अरे बेचारे थके हारे लौटे, ठीक से हवा तो आने दे। ए, ए, तू भाग के जा कुछ बैठने को ले आ। ए, तू भाग के जा सोडा ले आ, सोडा। जरा देर पहले ही से कुत्ता कह रही थी, अब पैसे आ गए तो दौड़ के चिपकती। अपने मरज से चिपकती हूँ, जोश में लाने के लिए डांटती हूँ, तुझको तेरी जोरू नहीं डांटती, ऐसे ही मैं डांटती हूँ। मुंह बंद कर, अपना काम कर। जी मैंने डांटा तो तुम्हारा अच्छा टेम आया, वो टिकट मुझे दे दो, मैं रुपए लाती हूँ जाके। तुम गए ना तो हाथ में 2500 थमा के बोलेगा जाओ बड़े ठगे। पैसे मेरे पास रहे तो कुटुंब को जोरों से चलाऊंगी, रोज जेब खर्च को कुछ चाहिए तो तुम्हें 5 रुपए दे दूंगी। ला टिकट दो। सुंदरी प्राइस मिला तो कोई धोखा न दे, उसके लिए टिकट पे अपना नाम लिखवा दिया, इसलिए मुझे ही देने वाले। दैया रे दैया, मैं तुम्हारी लुगाई हूँ, मुझे भी देने वाले नहीं क्या? तेरे की बाबूजी, बाबूजी। पारसमणि तुम कभी फंस जाओ तो इस किताब को पढ़ने का बहाना करना। बाबूजी इस कुकिंग एनसाइक्लोपीडिया में क्या पढ़ रहे हैं आप? तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। धन्यवाद किस लिए? जिन लोगों के पास काला धन है उसे सफेद बनाने के लिए प्राइज वाली टिकट रुपए देकर हमसे ले जाते हैं। आप तो अपने कुटुंब के मेल मिलाप के लिए ही मुझसे टिकट ले गए थे। भैया लॉटरी लगते ही पारसमणि ने 2 दिन में होटल का गुड़िया बदल दिया, अब तो बहुत सियाना भी हो गया है। आइए आइए राम स्वामी, इनका ख्याल रख। भैया हिसाब किताब के अंदर काफी कमजोर हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ये काम तुम्हें दिया है, ठीक से संभालना, तुम्हारे सुख दुख का सारा जिम्मा मुझ पे है। इस डिजाइन की एंगेजमेंट रिंग है क्या? सॉरी सर स्टॉक नहीं है, आप ऑर्डर देंगे तो बनवा देंगे। ऑलराइट। आपका नाम? राम मोहन। दादी क्या है रानी? दादी वो रामू बहुत तंग कर रहा है दादी। अरे अरे क्या कर रहा है? वो अंगूठी बनवा लाया है, एंगेजमेंट रिंग है बोला, मुझे पहनाने की जिद पे अड़ा है। मुझे अब 1 मिनट भी वैष्णवी बनना मंजूर नहीं। वैष्णवी बनना मंजूर नहीं, मत बन। अब वैष्णवी बिल्कुल मत बन। आज ही रात तेरे एग्जाम्स है बोल के तू फौरन यहाँ से भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। रानी, भाग जा रानी। वैशु भी रन आउट क्या? अब क्या किया जाए? इसके अब 2 ही रास्ते हैं। बोल। पहला किसी और छोकरी को कैसे भी पटाके बुलवाना होगा, नहीं तो जुड़वा बहने ही मेरे घर में आएंगी ऐसा जो बोल रहा है उस ओमरे सिर के राजा मणि का मन बदलना होगा। पर कैसे? इसके लिए पांडिचेरी में रूम बुक करके दोस्तों के साथ गंभीर चर्चा करने वाला हूँ। मेरी तलाश मत करना, सही घड़ी पे अचानक टपक कर मधु की शादी करा के सबके छक्के छुड़ा दूंगा। देखो पारसमणि तुम्हारे पास सब सुख सुविधा आ गई है, ईश्वर की कृपा से अच्छा बखत आ गया, सब होके क्या फायदा हुआ? बुढ़ापे के बखत तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी दौलत का सुख भोगने के लिए कोई वारिस न देके ईश्वर ने तुम पे बड़ा जुलम किया। चुपचाप इससे शादी कर लो, 4-6 बच्चे पैदा कर देगी। दूसरी बीवी लाना हमारे कुटुंब का तरीका नहीं है, दद्दा ने भी आज तक दूसरी शादी नहीं की। तुम्हारे दद्दा के तो शहर के बच्चों की तरह 2 बेटे हैं, तुम्हें तो आग देने वाला भी कोई नहीं। इसका कारण मैं भी हो सकता हूँ माई। बिल्कुल नहीं, इस कुटुंब का बीज बहुत अच्छा है भैया, तुम्हारे दद्दा को बच्चों का सुख मिला है तो दोष तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारी लुगाई ने तुम्हारी भाभी को 2 घूंट सोडा भी न देके मार डाला, उसी पाप के कारण गोद सूनी हो गई उसकी। गाँव का शराब भोग भोग के कोक सुख के बेजान हो गई है, इस उम्र के बाद वारिस होने की कोई आशा भी नहीं है। ए भैया तुम्हारी ये कमी पूरी नहीं हो सकती। किसमें कमी नहीं है? मेरे में कमी नहीं है क्या? खाना बनाना नहीं मालूम मुझे, ठीक से हिसाब किताब भी नहीं आता, उसको मेरी कमियां जब नहीं चुपती तो उसकी कमियों को मैं क्यों देखता फिरूं? बोलो। बात सुनो शांति दीदी, मेरी औलाद नहीं हो तो भी मुझे फिक्र नहीं, लेकिन मैं सुंदरी पे ये जुलुम नहीं करूंगा। मेहरबानी करके आप यहाँ से जाओ, जाओ जाओ।
वैश्यो आओ, यही कंपार्टमेंट है। जूस, ड्रिंकिंग वाटर सब रख दिया। जस्ट वन सेकेंड, आई विल बी बैक। ये लो विमेन जीरा फेमिना, पढ़ने के लिए। तुमसे दिल खोल के बात करने के लिए सबको सबको टाल के आया हूं, लेकिन तुम तो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही हो। तुम बिल्कुल खामोश हो, ये भी मुझे पसंद है। तुम्हारी खामोशी भी सुरीली है। आई लाइक इट वेरी मच। मैं तुमको जब भी देखता हूं भाभी की याद आती है मुझे, वो भी तुम्हारे जैसी है। भाभी को भैया से बेहद प्यार था, मगर एयरपोर्ट पे भैया से बिना कुछ बोले दुखी होकर जहाज पे चढ़ गई, लेकिन फिर भी भाग्य ने उन्हें दोबारा मिला दिया। तुम भी उसी तरह मुझसे कुछ बोले बिना चली गई तो मैं दुखी होकर मर जाऊंगा। मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? भाभी और भैया में तो बहुत प्यार है, लेकिन जुड़वा होने के नाते हमारी शादी भी उनके साथ हो रही है, वो मजबूरी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ऐसी फीलिंग तो नहीं है ना? ये बात दिल में नहीं है ना? मैं तुमको पसंद हूं ना? खामोशी का मतलब रजामंदी है, पर ये मेरे लिए काफी नहीं है। प्लीज एक बार खुल के बोल दो। सिग्नल हो गया, गाड़ी बढ़ रही है, पर हमारा प्यार है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं पसंद हूं सिर्फ एक बार बोल दो, प्लीज सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, वैश प्लीज। वैश जवाब सुने बिना मेरा जाने को मन नहीं कर रहा। मैं भी तुम्हारे साथ कोड़ेकनाल चलूं क्या? ओहो, पहले नीचे जाइए। मैं अपनी दिल की सारी बातें आपको बाद में लेटर में लिख के भेज दूंगी। प्लीज नीचे उतरिए। मैं समझ गया, तुम बोल नहीं पा रहे इसलिए लिखोगी, ये काफी है। टेक केयर, मैं चलता हूं। हे भगवान। वैशु एक बात साफ साफ लिखना, आई लव यू लिख देना। ओके बाय वैशु। मधु मैं यहां हूं। मेरा मरने को दिल कर रहा है दादी। क्यों बेटी? प्रभु कौन है दादी? देवर है मेरा, देवर खुद की बेटी जैसा होता है। बेचारा रामू झूठे इश्क के सपने सजाकर पागल आदमी जैसा घूम रहा है। कल जब वैष्णवी का झूठ उसे पता चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी? अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली तो विशु के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं? बस बस बहुत हो गया, ये धोखेबाजी में डूबकर सबका दिल दुखा के शादी करने से तो अच्छा होगा मैं सच बात सबको बताकर पैरों में गिर के माफी मांग लेती हूँ उनसे। उसके बाद अगर हमारी चाहत में शक्ति है तो हम फिर से मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रही है, मक्खन बन के ऊपर आ गया तो मटका फोड़ रही है। अब तूने सच्चाई बताएगी? तेरा वैष्णवी का स्वांग खत्म हो गया है ना? अब रामू को भी धोखा नहीं देना है ना? शादी भी पास आ गई है, तू मंगलसूत्र पहन ले अगले ही मिनट। रामू के पैरों में गिरकर मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैंने इनके प्यार की खातिर झूठ बोला उसे कह दूंगी। अरे मैं तो सबके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी रानी। दिल को चीर के माफी मांगने से लाशें जिंदा हो जाएंगी, अब मुझसे नहीं होगा दादी। तो जा, जाके सबको सच्चाई बता दे, मैं इसी ट्रेन के सामने गिर के अपनी जान दे। हाँ दे दो, पहले यही करो, मैं सच बोल के जिंदा थोड़ी रहने वाली हूँ। अरे बेटी रानी रुक जा। मधु, मधु, ए जूनो, ये मादेश का रूम है ना? 108। तू क्यों छेड़ रहा है इसे? विशु ये सुपर कंप्यूटर है, उस दिन वैष्णवी और मधु दोनों डांस कर रही थी तो वो मादेश है ना, इन वायरों को उसमें लगा के इस कंप्यूटर के साथ नाच रहा था। अपन भी नाचने को सोचा लेकिन स्विच किधर है पता नहीं, थोड़ी उंगली करना है। ए, तू मादेश की चीजों को क्यों छू रहा है? पहले ये सब निकाल के इन्हें अपनी जगह पे रख दे, समझा? आखिरी बार वो ट्राई मारता है आज तू फंसने वाला है।
हाय वैशु, वैशु आ गई। वैशु ये देख, अपन जैसी हरकतें वैशु भी कर रही है। तुझे और कुछ काम नहीं है? एक और झटका तो लगा। ए मादेश, बस बहुत हो गया। तो जाते हैं, पोस्ट तो दिखाती जा। ए ए गुस्सा समझती हूँ, जो भी हुआ वो किस लिए हुआ यही बताने को आई हूँ। क्या बताओगी क्या तुम? पोल खुल गई तो सच बोलने का ढोंग करोगी क्या? ये नाटक कब तक रहूंगा मैं? भगवान के लिए मैं जो कह रही हूँ सुनो विशु। चुप जाओ, तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया क्या? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया मैंने, इसलिए मेरे मुंह पे काले पोत दी तुमने। नहीं विशु, भगवान के लिए जरा मुझे बोलने दो। ए, मैं पागल हूँ पागल हूँ जो तुम्हें इतना प्यार किया? मेरे भाई ने कौन सी भूल की थी? बोलो कौन सी भूल की? भोले इंसान को अमेरिका से बुला के, उसे शादी की आशा दिला के, उसे पागल जैसा बना दिया सबने, क्यों? You bloody cheat! बेटा विशु, उस पे गुस्सा मत करो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। मधु की जरा भी भूल नहीं है, तुम दोनों की शादी कराने के लिए ही ये जुड़वा है, ऐसा मैंने झूठ बोला? मधु से वैष्णवी का नाटक मैंने ही करवाया। मुझे गाली दे लो, अपनी चप्पल से मारो, मैं सब सह लूंगी। कैसी औरत है तू? तुझको देखकर मुझको घिन आती है। मुंह मुंह खोला नहीं कि झूठ। बेचारी इंडिया से आई है, तकलीफ में है, इसलिए दौड़ दौड़ के मदद की, इसके बदले मेरे पूरे परिवार को यहाँ बुला के चप्पल मारे तूने। कसम से मेरा और मेरे परिवार वालों का किसी को दगा देने का इरादा नहीं था विशु, भगवान के लिए मेरी बात। अग्नि पे हाथ रख के झूठी कसम खाने वाली औरत है तू, किस मुंह से विश्वास करने को बोल रही है? थोड़ा धीरे बात मत कर। मधु, आप विशु राजामणि, विशु छोटा बच्चा है, ये इस वक्त बहुत गुस्से में बोल रहा है। उस दिन सिर्फ जुड़वा बहनों से ही शादी करूंगा, सख्ती से बोले थे ना, दोनों के प्यार में बाधा ना पड़े, दोनों की शादी हो जाए। इसके लिए क्या करूं सोच रही थी, फिर जट से वो झूठ बोल दिया। मानती हूँ मैंने जो कहा झूठ था, सबको धोखा दिया, वो मेरी भूल थी। आप बोलेंगे तो आपके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगी। भगवान के लिए ये शादी करवा दीजिए राजामणि। पापा हट जाइए वहां से, आपके पैरों में गिर के माफी मांगने के बहाने आपके पैरों को खींच लेगी ये। इसका भरोसा ना कीजिए, ये झूठी है, इसकी हरकतें नाटक है, ये पूरी क्रिमिनल है, ये फरेबी खानदान है। हम चले जाएंगे यहाँ से पापा, चलिए चलिए। बेटा बेटा विशु, 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 राजामणि, मधु, ईश्वर, Thank you.
बचपन से देख रहा हूँ तुम्हें बेबी, एक दिन भी तुम्हें उदास नहीं देखा बेबी। खा लो बेबी, तुम कुछ भी नहीं खाया तो दादी मेरी बोटी बोटी कर देगी, खा लो बेबी। भूख नहीं है जोसेफ। अयो, किनारे जाने में दो दिन लगने वाले हैं, बोलो तो बोट किनारे को ले लूं क्या? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल हार चुकी हूँ मैं, किसी से नहीं मिलना मुझे जोसेफ। ए बेबी, मेरे सवाल का बुरा नहीं मानोगी ना? लव फेल हो गया क्या? अगर प्यार किया है तो ऐसा ही होएगा।